केरल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय मिश्रा, आप देख रहे हैं भदोही की प्रमुख खबरें। आज भदोही विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने यह बताया कि 24 तारीख से उनका दांडी यात्रा निकाला जाएगा। देखिए यह रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 24 तारीख से भारत के सचिव प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी के 125वीं जयंती पे महात्मा गांधी संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हमारे पार्टी के द्वारा रखा गया है, जो हमारी पहली यात्रा भदोही विधानसभा में, भदोही लोकसभा में शुरू होगी। वह कंधिया फाटक से शुरू होकर के हम कंधिया फाटक से लच्छापुर, लच्छापुर से रोटहा, बरदहा, पाल चौराहा, मानिकपुर, चौरी, रोटहा होते हुए, कपालडी होते हुए मानिकपुर में हम चौपाल के रूप में फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। चौपाल के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि समाज के अंतिम पावदान तक खुशहाली लाने के लिए समाज को अंतिम व्यक्ति के पे बैठा हुआ व्यक्ति को सभी के बराबरी तक ले आने के लिए इन महापुरुषों का जो सपना था उसको साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इस यात्रा को बहुत ही भव्य रूप देने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में अभी तक जो यात्रा यह 1 अक्टूबर से चल करके 31 अक्टूबर तक संपन्न होगी, उसमें निश्चित रूप से भदोही लोकसभा और यह भदोही विधानसभा की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। और जन चौपाल के माध्यम से हम विभिन्न योजनाओं पे जो गरीबों को उनकी योजनाएं दे रही हैं चौपाल के माध्यम से बताने का काम करेंगे। एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जल संचयन के प्रति जागरूकता, गौशाला, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त, सिंगल वन यूज, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, डिजिटल इंडिया, लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लाभार्थियों को गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन आदि सभी कार्य सम्मिलित हैं और इसकी जानकारी हम लाभार्थियों को देने का काम करेंगे। जिले स्तर के सभी अधिकारी, जिले स्तर से लेकर के विधानसभा के सभी अधिकारी इन तीनों दिन यात्राओं में वहां पे चौपाल के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। तो चौपाल में जो हम सरकार की नीतियां हैं उस नीतियों को भी बताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए, बालिकाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दिया है वह सुमंगला योजना, उसमें प्रभारी मंत्री जी 25 तारीख को आकर के हम बेटी को जन्म से लेकर के और उसकी शिक्षा तक 15,000 रुपये देने का काम करेंगे। उसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी का भी कल कार्यक्रम जनपद में है। इसके बाद प्रभारी मंत्री जी हमारे यहाँ जो यात्रा यह प्रथम दिन शुरू हो रही है वो मानिकपुर में समापन होगा। रात विश्राम हम नगर पालिका परिषद भदोही में करेंगे। भदोही नगर पालिका परिषद से सुबह 7 बजे हम योग से शुरू करके योग और आपका स्वच्छता और पूरी प्रभात फेरी के साथ हम जनसंदेश, महात्मा गांधी जी का जो जनसंदेश है उसको देते हुए फिर हम मोस यहाँ में इस यात्रा का समापन करेंगे। वहाँ चौपाल लगा करके इस यात्रा के समापन, जो दूसरी यात्रा हमारी है इसके समापन पे माननीय प्रभारी मंत्री श्रद्धेय परम आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी भी रहेंगे और इस यात्रा को वहाँ पे समाप्त करके फिर उसी दिन 25 तारीख को रात में सूर्यामा में यात्रा विश्राम करेगी। सूर्यामा से पुनः नगर, सूर्यामा नगर पंचायत होते हुए यात्रा हमारी लगभग 12 किलोमीटर चल करके दुर्गागंज में समापन किया जाएगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम गरीबों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जानकारी के अभाव में गरीब कभी कभी योजनाओं को जान नहीं पाते हैं और उन योजनाओं से लोग वंचित रह जाते हैं। तो इन योजनाओं को हम विस्तृत रूप से सभी अधिकारी बताने का काम करेंगे और योजनाओं का लाभ उनको दिलाने का काम करेंगे।